ये मानक अनुसार काम हुई नहीं है यहाँ पर, अपनी मनमानी से काम हुआ है। मानक बोर्ड ने बाद में लगाया काम के बाद, इसमें मुश्किल से मुश्किल 2-3 लाख रुपये में काम करके चला गया अपने को। बराबर बार बार लेटर दे रहा हूँ, बार बार शिकायत कर रहा हूँ, मेरी बात को अनसुना किया जा रहा है। अगला कदम जो होगा समय नहीं होगी, लोग हम धरना देंगे यहाँ पर नगर निगम में जाके। नमस्कार दोस्तों, आज हम वार्ड नंबर 56 में खड़े हुए हैं, 56 के अजमेरी गेट इरशाद मेडिकल। ये यहाँ के पार्षद हैं इरशाद जी, यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर इरशाद जी के द्वारा बताया गया कि 4 महीने पहले एक वर्क हुआ था जो कि नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा कराया गया था। इसके कॉन्ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, गर्ग कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर्स, इनके द्वारा ये वर्क, ये यहाँ एक रोड पर रिपेयरिंग का काम किया गया था। ये आप देख सकते हैं सीसी द्वारा सड़क सुधार कार्य किया गया था। अब आप पूरी रोड को देख सकते हैं, इस पर कोई कह सकता है कि 4 महीने पहले रिपेयरिंग वर्क हुई थी। फिरोजाबाद नंबर 1, और फिरोजाबाद को नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन नगर निगम फिरोजाबाद को नंबर 1 बनाने के लिए जिन हाथों में काम सौंपता है, वे लोग नगर निगम को दीमक की तरह खाने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 56 की, जहां लगभग 4 महीने पहले एक सड़क की रिपेयरिंग का कार्य किया गया था, जिसकी लागत नगर निगम द्वारा लगभग 10,50,000 रखी गई थी। इस कार्य की जिम्मेदारी गर्ग कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर को दी गई, जैसा कि मानक बोर्ड में दिख रहा है। कंपनी को रोड की रिपेयरिंग का ठेका मिला और कंपनी ने काम शुरू कर दिया, लेकिन वहां के स्थानीय पार्षद ने बताया कि रिपेयरिंग के काम में ठेकेदार द्वारा बहुत लापरवाही की गई है, जिसके चलते रोड की रिपेयरिंग होने के बाद भी रोड उखड़ना शुरू हो गई है। पार्षद और स्थानीय निवासियों ने इस बात की शिकायत कई बार नगर निगम के अधिकारियों को लिखित रूप में भी दी है। मेयर नूतन राठौर को भी शिकायत पत्र के माध्यम से इस पूरी घटना से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक उस ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम द्वारा क्या ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाती है या नहीं। आप देख सकते हैं अभी से यहाँ ये रोड उखड़ी हुई है। यहाँ के लोगों के द्वारा हमें सूचना दी गई कि ये रोड की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल ख़राब है, और यहाँ के लोगों से हमने जब बात की तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि यहाँ जो कार्य हुआ था उससे पहले यहाँ पर मानक बोर्ड नहीं लगा था। मानक बोर्ड लोगों के द्वारा दबाव डालने के बाद यहाँ गर्ग कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मानक बोर्ड लगवाया गया। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि इस रोड की जो गुणवत्ता है उस पर लोगों द्वारा कंप्लेंट की गई, और हम फिर यहाँ पर आए तो हमने भी देखा इस रोड की जो हालत है। ये 4 महीने पहले बनी रोड तो मतलब रिपेयरिंग काम किया गया था इस पर, वो तो लगी नहीं रही है। तो यहाँ के नगर निगम के स्थानीय पार्षद इरशाद सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद जी से ही बात करते हैं कि ये रोड कब बना था और कितना समय इस रोड का हो गया और कितनी लागत से इस रोड को बनाया गया था। इरशाद जी, ये रोड कब बना था? ये रोड बने 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, कितनी लागत से तकरीबन ये रोड? ये रोड बना था 12 लाख रुपए की लागत से। 12 लाख रुपए जी। तो जब ये रोड बना था यहाँ पर, जब यहाँ पर आपने, आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई है कि यहाँ पर रोड की गुणवत्ता में मतलब कमी है, तो आप लोगों के द्वारा ये शिकायत कहीं और भी करी गई है? ये गुणवत्ता जो हमारे काम हुआ है यहाँ पर, ये मानक अनुसार काम हुई नहीं है यहाँ पर, अपनी मनमानी से काम हुआ है। यहाँ पर आप हालात देख ही रहे हैं, ये रोड की क्या है, ये रोड मुश्किल से 2-4 महीने चला है, वो बेकार उखड़ जाएगा। यहाँ पर बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश में सब रोड ये बिल्कुल बना होना वाला एक सा हो जाएगा रोड पूरा। इसके लिए आपने कंप्लेंट करी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, कोई कंप्लेंट डाली? मैं कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मैडम को, नगर आयुक्त प्रणव शर्मा जी को, और अपर साहब को, और आला अधिकारियों को, एक्शन साहब, जय साहब, सबको अवगत करा चुका हूँ और सबको फोटो भी डाल चुका हूँ व्हाट्सएप पे, और लेटर भी कहीं दे चुका हूँ। क्या आश्वासन दिया जाता? आश्वासन दिया गया, परसों ठेकेदार आया था लीपोपोती करके चला गया, वो लीपोपोती चलेगी थोड़ी, वो खराब हो जाएगा रोड। तो सिद्दीकी जी से कहेंगे आगे भी रोड दिखाएं, आगे भी रोड की गुणवत्ता है दिखाएं कि देखिए, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से गिट्टियां बाहर हैं और यहां पर ऐसा लग रहा है सीमेंट का तो यूज़ हुआ ही नहीं है, केवल बालू के द्वारा ही थोड़ा बहुत सीमेंट मिलाकर ऐसे ही लीपा पोती कर दी गई है। एक तरीके से कहें तो खाना पूर्ति कर दी गई है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की भी लापरवाही है कि नगर निगम के अधिकारियों को आकर यहाँ पर देखना चाहिए था, नगर निगम के जो इंजीनियर हैं उनको आके यहाँ पर देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा। क्या सिद्दीकी जी, यहाँ पर जब काम चला था तो मानक बोर्ड लगाया गया था? नहीं, मानक बोर्ड ने बाद में लगाया काम के बाद। काम के बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्शन? मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि मानक बोर्ड बनना है, मैंने अधिकारियों से बात करी कि वो अभी बन गया जाएगा, कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा, वो ठेकेदार पूरी मनमानी अपने तरीके से मनमानी करके गया है काम करके। तो कोई अभी तक नगर निगम के द्वारा एक्शन नहीं? नगर निगम द्वारा कोई एक्शन लिया नहीं गया। बराबर बार बार लेटर दे रहा हूँ, बार बार शिकायत कर रहा हूँ, मेरी बात को अनसुना किया जा रहा है। क्यों ऐसा क्या लगता है कि क्यों अनसुना आपकी बात को किया जा रहा है? मेरी बात को मैं कम से कम, मेरे पास अभी प्रेजेंट में आपको दिखा सकता हूँ 10 लेटर रखे हुए हैं, फोटो भी दिखा सकता हूँ, फोटो भी डाले हैं मैंने,
प्रेजेंट में और ठेकेदार इसलिए आंदोलन किया जा रहा है, ठेकेदार जो है कुछ अपने जो है मजबूताई पे है, मतलब दबंगई है, दबंगी दबंगई है ठेकेदार की, हाँ दबंगई के लिए, इसके लिए हमारे लिए क्षेत्र में काम के लिए दबंगई है, हम काम के ठेकेदार से कहें तो जब तक ठेकेदार ने प्रेजेंट में काम करा था यहाँ पर, लोगों ने क्षेत्र लोगों ने शिकायत की मौके पर आके ये क्या कर रहे हो आप, कि ठीक है मैं सही कर रहा हूँ मनमानी तरीके से करके अपने लिपोबद्ध करके चला गया। अब ये सुनवाई नहीं हुई है आपकी, ये आप दिखाइए एक बार कि क्या है इसके अंदर, देख आप देख सकते हैं कि केवल बालू और गिट्टी, अब हाथ से कुरेदने के मतलब कुरेदने पर ही ये रोड उखड़ती आ रही है, ये देख सकते हैं आप, ये पार्षद जी खुद दिखा रहे हैं अपने हाथों से किस तरीके से इस रोड की गुणवत्ता है, और कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई है। पार्षद जी द्वारा कहा जा रहा है कि ठेकेदार की दबंगई है, इसके कारण उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। नगर निगम में भी कई बार उन्होंने शिकायत और शिकायत पत्र दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो पार्षद जी, अगर अब भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो अब अगला कदम क्या? अगला कदम जो होगा, सुनवाई नहीं होगी, लोग हम धरना देंगे यहाँ पर नगर निगम में जाके, जब तक हमारा रोड सही नहीं हो जाता पूरा, उसके बाद धरना जब भी समाप्त होगा। आपको क्या लगता है, ये तकरीबन 11 लाख रुपये की मतलब कीमत से ये लागत से बना है, तो इसमें 11 लाख रुपये का खर्चा हुआ होगा? इसमें मुश्किल से मुश्किल 2-3 लाख रुपये में काम करके चला गया अपने। वो कितने दिन में काम करके चला? काम वो अपने 4-5 दिन में काम करके चला गया था। कितना एरिया जो है हम पूरा 135-140 मीटर करीब है। अच्छा, रोड को 140 मीटर है, कम से कम इससे तकरीबन 1 हफ्ता लगता बनाने में, अच्छी तरीके से बनाता, वो 4-5 दिन में लिपोबद्ध करके चला गया। तो यहाँ पर पार्षद और क्षेत्रीय लोगों से बात करने का पर साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही की गई है और केवल खाना पूर्ति करके ठेकेदार के द्वारा अपना वर्क पूरा किया गया है। देखिए, जैसा कि हम वार्ड नंबर 56 यानी अजमेरी गेट रोड पर खड़े हैं, जिसका निर्माण आज से यानी 4 महीने पहले किया गया था, जिसमें ठेकेदार ने अपनी मनमानी की, और उसके बावजूद जैसा कि आप देख चुके हैं अभी कि यहाँ पे सीमेंट का तो काफ़ी प्रयोग नहीं किया गया और बालू गिट्टी का अधिक प्रयोग किया गया है। जैसा कि अभी आपको पार्षद जी ने दिखाया है कि हाथों से गिट्टी निकल रही है, और कई बार नगर निगम में नगर आयुक्त तो प्रेरणा शर्मा जी को और प्लस महापौर श्री नूतन राठौर जी को भी यानी लेटर दिया गया है और तमाम शिकायतें भी की गई हैं अधिकारियों से, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। रोड बना तो इसमें मालियत नहीं लगाई गई। कितने महीने पहले बना था ये? कम से कम 4 महीने पहले बना था, तो इसमें बनाते वक्त तो सही लगा था, लेकिन उसके बाद में कुछ जब पानी डाला गया तो इसमें सीमेंट घुल गया, पत्थर निकल आया है, और जो बच्चे खेलते हैं तो उनका चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, गिट्टी घुस जाती है,